वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स में हूँ पूजा राव और आ गई हूँ आप लोगों के पास देवरानी जेठानी का अपडेट लेके गई। तो जो भी यूट्यूब पे दिखता है जो भी वीडियो बनता है हम लोग उसके ऊपर ही अपना थिंकिंग को मैं क्या सोचती हूँ शेयर करती हूँ। तो आप सबको पता ही है गाइस कि देवरानी जेठानी के बीच में ननद जी की एंट्री हो गई थी और आज जो उनके जेव जी के ऊपर जो इल्जाम लगा था वीडियो के थ्रू ही इल्जाम लगा था, तो जिसपे ना बहुत लोगों ने अपनी देवरानी जी ने अपनी एक्टिविटी कुछ करके उसको ऐसा ना कम्युनिटी और अपना शॉर्ट्स वीडियो डाल के उसको ना सच साबित कर दिया था कि हाँ उनके जेठ जी शायद ये बात बोले हैं। तो उनको भी वो लोग बोले हैं कि अपने फैमिली मैटर में बैठ कर जेठ जेठानी एक वीडियो लेके आए हैं जिस पे उन्होंने बोला है कि वो फैमिली में बैठ के इस बात पे वो लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे, तो देखिए ये क्या होने वाला है, उनकी मर्जी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी अगर हम लोग वीडियो के हिसाब से देखें और वीडियो टू वीडियो खेलें तो आपको पता ही है कि उनकी देवरानी जी का एक चैट वायरल हो गया है जिसके वजह से सब कुछ ही ननद जी अभी गलत साबित हो गई हैं। शायद मतलब उनके अकॉर्डिंग टू उनके जेठ जेठानी वो उनकी जो ननद जी हैं ये सब कुछ ही केस, क्योंकि उनके देवर जी ने उन पे करोड़ों रुपये का केस किया था जिस केस को वापस लेने के लिए ये सब उनको बदनाम किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू उनके जेठ जेठानी। ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं। उनके वीडियो में अभी भी एक घंटा का आज वीडियो अपलोड हुआ है तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। दूसरी बात गाइस यहाँ पे ना एक बात मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, आप लोग कितने लोग सहमत है प्लीज़ दिल से सोचिएगा इस चीज़ को और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यूट्यूब पर आज एक बहुत बड़ी बात पता चली है। और उनकी देवरानी जी जब प्रेग्नेंट थी तो जेठानी जी को पता ही नहीं था कि देवरानी जी प्रेग्नेंट है और ये बात उनकी सासू माँ ने देवरानी के माँ के मुंह पे भी क्लियर करवा दिया है। तो उनकी सासू माँ ने एक्सेप्ट किया है कि जेठानी जी को नहीं पता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब रही बात गाइस कि आपको आप लोगों से कितने लोगों को ये लग रहा है कि 4 महीना की प्रेगनेंसी अगर कोई एक ही घर में रहता है, 4 मंथ था या 5 मंथ था मुझे पता नहीं है, कम मैच्योर नहीं हूँ, तो 4 या 5 मंथ एक ही घर में रह के एक ही साथ रह के पूजा मंदिर घर जब जेठानी जी के घर के सामने ही है और मंदिर में पूजा पाठ औरतों का एक ऐसा प्रॉब्लम होता है आप लोगों को पता ही है पीरियड का प्रॉब्लम होता है, तो आप लोगों में जब वो पूजा नहीं करती होंगी तो क्या जेठानी जी को कभी डाउट नहीं हुआ कि 4 महीना से हमारी देवरानी जी कंटिन्यू पूजा कर रही हैं या कुछ ऐसा। और जो भी हो उनकी मर्जी है, ऐसे भी आप देखेंगे बैक टू बैक जेठानी जी थोड़ा ट्रैवलिंग में बिजी थी तो ये सारे बात कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों को ये लगता है कि एक ही घर में रह के जेठानी जी को ये पता नहीं होगा कि देवरानी जी प्रेग्नेंट है, पहले तो आप इस पे कमेंट्स कीजिएगा। और रही बात दूसरा सिक्के के दूसरी पहलू को हम लोग बात करते हैं, अगर जेठानी जी को ये पता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है तो ये वो यहाँ घूमे या वहाँ घूमे या ये कंट्रोवर्सी या वो कंट्रोवर्सी उससे उनको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। जब बहुत लोगों ने उस समय ये कमेंट्स किया था कि जेठानी देवरानी के बच्चे को खा गई तो ये कितना बड़ा एक औरत के लिए अभिशाप है। जब कोई मतलब एक माँ दूसरे माँ को या कोई भी कमेंट्स करके ये बात बोले, तो जब देवरानी जी का बच्चा ये बहुत मतलब ख़राब हुआ था या जो भी इस दुनिया में नहीं आया जिसके वजह हॉस्पिटल में एडमिट थे तो ये बहुत सारी बातें ना जेठानी जी के ऊपर एलिगेशन लगा था। तो मुझे नहीं लगता है कि जब उनको पता ही नहीं था तो उनके ऊपर ये एलिगेशन होना चाहिए। चौथी बात की जब वो पार्टी में चली गई हैं गाइस तो वहाँ से तो उड़ के आ नहीं सकती हैं, उड़ करके यहाँ और उड़ करके यहाँ तो कोई जा नहीं सकता है, थोड़ा ये समझिए आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। और वो पार्टी में चली गई हैं और यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि देवरानी जी ने अपने वीडियो में पहले ही बोल दिया था कि उनको एक डॉक्टर ने कुछ एक सप्ताह पहले कुछ अब जो अपनी मम्मी घर जब गई थी इस चीज़ को अगर आप समझेंगे ना तो आप समझ पाएंगे। जब देवरानी जी अपनी मम्मी के घर गई थी ना तभी उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि बेबी को आप इस दुनिया में नहीं ला सकते हैं, लेकिन उन्होंने सेकेंड ऑप्शन जो उनके ससुराल के पास हॉस्पिटल है वहाँ पर गई, वहाँ पर उन्होंने चेक कराया कि सेकेंड ऑप्शन लेना चाहिए और बहुत अच्छी बात है सेकेंड ऑप्शन लेके देखना चाहिए, वहाँ पर भी डॉक्टर ने उन्हें वही बोला। तो वो अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी, अचानक से सब कुछ चीज़ नहीं हुआ था, आप लोग इस चीज़ को समझिए। और उनका जो डेट फाइनल किया गया था उन्होंने सारे यूट्यूब के आप हम सबके लिए ना उन्होंने एक शॉर्ट बना के भी डाला था गाइस मैं अपनी ज़िंदगी की एक एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, इस एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊँ, रिपोर्ट सब कुछ सही हो, अपलोड एक ए डालिएगा। तो वहाँ वो फेल हो गई थी और उसके बाद से उनका ऐसा हॉस्पिटल का ना ये फिर ए होता है और बहुत ही औरतों का होता है गाइस, ऐसा नहीं है कि एक उनका हुआ है तो बहुत ए है। भगवान इस दुनिया में ना बहुत सारे उनके पास तो पैसे कौड़ी सब है, जब वो हॉस्पिटल में उनको अच्छी केयर उनको अच्छा सब कुछ टेक केयर मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी मजदूर औरतें हैं और बहुत सारी औरतें हैं जरा
आसपास चलते हैं उनका बेबी को ना मतलब नुकसान हो जाता है और उन्हें बहुत दर्द कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो अब देखिए, अब एक बात जेठानी सुन के अगर जहाँ पे भी थी, आपको पता है उस समय वो शायद आई थिंक जिया शाश्वत या अंकुश सक्सेना के साथ घर में वो गई हुई थी, वहाँ पे वो सुनी। तो अब तो देखिए, अब तो पार्टी में हम चले गए हैं तो कैसे हम रिटर्न आ सकते हैं, सुन के दुखी हो सकते हैं थोड़ा सा मन, लेकिन हम जिस जगह गए हैं हम दुखी होकर सारे लोग को दुखी नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी अब डांस बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक जेठानी जी ना वहाँ पे वीडियो सुनने के बाद हंस रही थी, डांस कर रही थी, ऐसे कि आपको कैसे पता कि जेठानी जी सब सुन रही थी। और मुझे लगता है यहाँ ननद जी को भी जब देख रही थी जेठानी जी किसी पार्टी में है, तो 10 मिनट बाद, क्योंकि ये कोई अचानक से देवरानी जी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई थी, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उनको इंजेक्शन दिया गया था, उनको ये बोल दिया गया था कि इतने घंटे का टाइम है, इतने घंटे में उनको सब कुछ ना क्लियर होने में टाइम लगेगा, तो बार बार की अपडेट क्यों दे रही थी। अगर इतना ही था तो उनके ससुराल के लोग, उनकी सासू माँ, उनके ससुर, उनकी देवर, उनकी देवरानी, या उनके मामा जी का फैमिली, या फिर उनके ससुराल का फैमिली, मायके का फैमिली, जो भी फैमिली, वो लोग फोन करके क्यों नहीं बार बार बोल रहे थे। तो इससे तो ये समझ में आता है कि उनके फैमिली मेंबर सपोर्टिव है, वो सोच रहे थे कि वो पार्टी में गई है तो हमें फोन नहीं करना चाहिए, तो ननद जी का बार बार पार्टी में फोन क्यों जा रहा था, नहीं करना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन अभी वो क्लियर करने वाली हैं लाइव में, तो फिर वो वीडियो देखने के बाद हम अपना वीडियो का राय देंगे और मशवरा देंगे, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और चौथी बात गाइस मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पे ना देवरानी जी के पापा के ऊपर टारगेट करके बताया गया है कि देवरानी जी के पापा ने क्या किया है नहीं किया है। तो आप लोग इसमें से कितने लोगों को लगता है कि उनका कुछ ऐसा हाथ होगा नहीं होगा, और किस मामले में होगा, शायद आज लाइव में कुछ क्लियर हो तो आप लोग बने रहिएगा और हमको आके बता दीजिएगा गाइस। अब हम नहीं देख सकते, हम सही बोल रहे हैं, हम नहीं देख, हमारा सर दर्द करने लगता है। तो आप लोग हमें कमेंट्स कर दीजिएगा कि आज के लाइव में क्या हुआ है। और उसके बाद से बहुत लोगों का ना बहुत कुछ कमेंट्स आ रहा है कि जब सुनिए, जब जेठानी को पता नहीं था और अचानक से ऐसा हुआ होगा, तो आप एक बात सोचिए जेठानी के ऊपर क्या बीती होगी कि हमारी देवरानी ने हमको ये नहीं बताया है। और रही बात प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें ना हाँ, और उन्होंने जेठानी जी ने एक बात और भी क्लियर कर दिया है कि हम फैमिली का ही साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे लिए, हमारी फैमिली ये है। अकॉर्डिंग टू उनके जेठ जेठानी के वीडियो से ये भी पता चला है कि उनके घर की बातों को ना कोई एक बंदा है जो बाहर में लीक करता है। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि उस घर में रहती है जेठ जेठानी धनु जेठ जेठानी जेठानी का बेटा, देवरानी की बेटी, और देवर जी, देवरानी जी, सासुर जी, ससुर जी, उसमें से जेठ जेठानी ने क्लियर कर दिया कि हम दोनों अपने फैमिली की बात करते नहीं हैं, हमारे सास ससुर इस बात को करते नहीं हैं। तो अब बच्चा कच्चा तो करने जाएगा नहीं, तो आखिर बतवा लीक कौन करता है गाइस, आप सोचिए तो थोड़ा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जेठानी जी का कहना है, उस पर हम अपना रिएक्शन बता रहे हैं आपको। ये हमको मथवा हमारा घुमा के लो रख दिया, हमको समझ में नहीं आया, तब से सोच रहे थे कि आज अपना रूप में नहीं आएंगे। आखिर ये बथवा पता कहाँ से चल रहा है हमको बताइए आप लोग, हाँ कुछ समझ में आ रहा है आप लोग? अरे ये बात फैला कौन रहा है, रोंग नंबर लग कहाँ रहा है जी, इनका घर में किचन बन रहा है पता किसी और को आगे चल जाता है, इनके भसुर, इनके जो भसुर हैं दो घुट पीते हैं ये पता किसी और को चल जाता है, इनके भसुर घर नहीं बनवाए पता किसी और को चल जाता है, इनके भसुर घर में खर्चा नहीं करते, इनके भसुर कमाते नहीं, सब पता कैसे चलता है हमको समझ में नहीं आता। जो सुनिए सुनिए देवरानी जेठानी दोनों सुनिए, आप लोग अपना घर चेक कराइए, जरूर कोनो भूत प्रेत का साया है जो जाकर उड़ के जाकर आपका घर का खबर दे, नहीं तो CCTV कोई लगा के चली गई है। आई थी ननद साहब घर में आई थी आपकी, देखिए तो कोई CCTV नहीं ना लगा दी है, कोई और भी ननद हो सकती है, क्योंकि बहुत जगह खबर जा रहा है, तो ये आप हम लोग बताइएगा हमको, नहीं तो आपका घर में भूत प्रेत का साया है, मेरा बात मानिए, वही भूत प्रेत इधर से उधर जाकर खबर दे दे रहा है, आप लोग समझिए, अभी सावधान हो जाइए, नहीं तो जब एक बार आ गई ना चुड़ैल मुड़ैल तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को मजाक लग रहा है हर बात, पूजा पाठ कराइए अपने घर में, क्या पता कौन आ गया आपके घर में, कहाँ से बात पता चल जा रहा है, जब आप कहीं आप कह रही हैं कि आपके घर में इतना ही लोग है, तो आप बोल ही नहीं रही हैं, आपके सास बोल ही नहीं रही है, जेठानी बोल ही नहीं रही है, देवरानी बोलती ही नहीं है, देवर बोलता ही नहीं, दोनों बचवा लोग को तो बात ही हटा दीजिए, तो आखिर बोलता कौन है? CCTV कैमरा जो रिकॉर्डिंग आप कराई है ना, किसी और का कंप्यूटर में खुल रहा है, आप लोग अपना घर में जो बात कर रही हैं किसी और के घर में चला जा रहा है, आप मेरा बात मान लीजिए, अगर ऐसा ही ले रहे ना
तो आप लोग का ये हो जाएगा। तो चलिए आप लोग दोनों देवरानी जेठानी एक ही होकर रहिएगा, हमें उससे क्या लेना देना है। लेकिन आज ये क्लियर हो गया है, वीडियो के थ्रू ये क्लियर हो गया कि जेठ जी ने कुछ नहीं किया है, जेठ जी शरीफ हैं, सही हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एलिगेशन के ऊपर वीडियो लेके आते हैं आप लोग से और मिलते हैं अपने असली रूप में। तो गाइस इस वीडियो को इग्नोर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।